नमस्कार दोस्तों, इन दिनों भारत की राजनीति में एक नए शख्स ने एंट्री मारी है। नाम है ध्रुव राठी। इन्होंने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। हम लोग अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मुद्दों को उछाला है जो इससे पहले शायद ही इतने चर्चित थे। सिलसिलेवार तरीके से मात्र वीडियो डालकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पानी फेर दिया है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अगर हिंदू विरोध की दो चार लाइनें बोल दो, तानाशाही और लोकतंत्र के खतरे को नमक मिर्च की तरह वीडियो में परोस दो, तो वैसे ही आप बुद्धिजीवी बन जाएंगे। इनके अनुसार भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उत्तर कोरिया और रूस जैसी तानाशाही भारत में भी आ रही। क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है? हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में। इन्हें सब कुछ दिखता है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं दिखता, जहां संदेश खाली जैसी घटना होती है। ममता बनर्जी के विरोध में जो चुनाव लड़ता है उस पर हमला होता है। यहां तक अगर उनके सपोर्टर्स को पता चल जाए कि इस परिवार ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया है तो उनके घर जला दिए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है। सीबीआई और ईडी पश्चिम बंगाल में जांच करने जाती है तो उन पर पत्थर मारा जाता है। इन्हें तमिलनाडु भी नहीं दिखता, जहां स्टालिन के खिलाफ बोलने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनीष कश्यप को बिहार से पकड़कर बंद कर दिया गया था। इन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ बकवास लगते हैं, रामायण जैसी कहानियां झूठी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं? तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। इन्हें पीएम मोदी से इतना प्यार है, इतना लगाव है कि अपने हर वीडियो ब्लॉग या शॉर्ट्स में उन्हें शामिल करना नहीं भूलते। इन्होंने दूसरों के कई प्रोपेगेंडा को उजागर किया है, और अगर कोई इनके प्रोपेगेंडा को उजागर करे तो इसे गोदी मीडिया और भक्त कहकर मजाक बनाते हैं। यही नहीं, उन्हें धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जाती है। माय नेम इज अनुराग एंड दिस इज माय वाइफ कैरोलिन। ध्रुव राठी's रेडिकलाइज्ड सपोर्टर्स हैव टारगेटेड अस इन यूरोप। ये देखो, अब मैं गाड़ी को छूना भी नहीं चाहता क्योंकि शायद पुलिस ही आकर चेक करेगी क्या है। जब से भारत में चुनाव की घोषणा हुई है तब से इनके चैनल पर सिलसिलेवार कई वीडियो अपलोड हुए हैं। सभी पॉलिटिकल वीडियो में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध। ये खुद को न्यूट्रल बताते हैं लेकिन शायद न्यूट्रलिटी इनसे कोसों दूर है। इनके अनुसार सबसे पाक साफ नेता अरविंद केजरीवाल हैं और सबसे भ्रष्ट नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी। इनके अनुसार नरेंद्र मोदी पूर्ण रूपेण तानाशाह बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर आपको लगता है कि भारत में तानाशाही नहीं है और सब कुछ सही चल रहा तो आप गलत हो, आप गोदी मीडिया को देखते हो और मोदी भक्त हो। हाँ, ये न्यूट्रल होते हैं लेकिन उन वीडियो में जो गैर राजनीतिक होती हैं, जैसे वर्ल्ड वार की कहानी, प्लेन क्रैश की कहानी या फिर साइंस एंड टेक की वीडियो में। लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी के वीडियो के उदाहरण सिलेक्टेड होते हैं, वही न्यूज और एग्जाम्पल देंगे जो उनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से सटीक बैठते हैं। पहले समर्थन में कुछ छोटी छोटी बातें बोलो, इससे लगे कि ये आदमी तो न्यूट्रल है, फिर विरोध में बड़े बड़े सिलेक्टेड फैक्ट को परोस दो। अब आगे बढ़ें, इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। ध्रुव राठी की कहानी शुरू होती है 2016 से, जब सबसे पहले इन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर वीडियो बनाया था। इसे अरविंद केजरीवाल ने उस समय ट्विटर पर शेयर किया, जिसको लेकर विकास पांडे ने इन पर मानहानि का केस किया था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने माना था कि उन्होंने वीडियो शेयर करके गलती की थी और इसके लिए वो माफी मांगते हैं। ध्रुव राठी के इस वीडियो में पांडे पर भाजपा आईटीएसएल के दूसरे नंबर के नेता होने और रुपए की पेशकश करने का आरोप लगाया गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि विकास पांडे ने महावीर प्रसाद नाम के व्यक्ति को 50 लाख रुपए दिए थे
ये रुपए उन्हें बीजेपी की आईटी सेल के खिलाफ झूठ और फर्जी खबरें फैलाने के आरोप वापस लेने के लिए दिए गए थे, जिस पर विकास पांडे ने केस किया था कि ये फेक न्यूज है और कहा कि उन्होंने किसी को कोई रुपए नहीं दिए थे। इसके बाद 2018 आता है, एक 15 साल के लड़के ने ध्रुव राठी के एक वीडियो पर कमेंट किया कि ध्रुव राठी शुड बी हैंग्ड, यानी ध्रुव राठी को फांसी होनी चाहिए, और वो एक चैनल द स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। ये उस लड़के का कमेंट एकदम बकवास था, इसको उसने खुद भी माना था, लेकिन ध्रुव राठी इस बात से इतना खफा हुए कि उनके अंदर का ईगो जाग गया, उस लड़के का इलीगली आईपी एड्रेस निकाला और उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर धमकी दी। इसमें उन्होंने कहा कि कोई मायने नहीं रखता कि तुम 15 साल के हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस मिल गया है, तुम्हारे पास कोलकाता पुलिस जल्दी ही पहुंच जाएगी। इसके बाद उस लड़के को अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा। इसके लिए NCPCR ने खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी, ट्विटर को भी पत्र लिखा था। कैरोलिना गोस्वामी एक यूट्यूबर हैं, इनसे ध्रुव राठी ने साथ काम करने को कहा, जब इन्होंने मना कर दिया तो ध्रुव राठी ने कैरोलिना को डायरेक्ट मेल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इंडिया को लेकर अधिक पॉजिटिव हैं, आप टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, इसलिए आपका चैनल गवर्नमेंट फंडेड लगता है, उन्हें सलाह देते हैं कि वो कैसे कंटेंट बनाएं। इसमें वो कहते हैं कि इंडियन अल्ट्रा देशभक्त होते हैं, आज उन्हीं करोड़ों अल्ट्रा देशभक्त इनके वीडियो को देखकर इन्हें शाबाशी देते हैं। 21 मार्च 2019 को ध्रुव राठी एक पोस्ट डालते हैं, बधाई हो भक्तों, मोदी ने भारत के सबसे घने जंगलों में से 1,70,000 हेक्टेयर जमीन अडानी को बेच दी। तब अडानी समूह ने इसे सिरे से खारिज किया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस समय एक भी खदान अडानी की नहीं थी। जब अडानी समूह ने उनसे कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए फर्जी खबर वापस लेने को कहा तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इन्होंने 2022 में पाकिस्तान के PM इमरान खान पर वीडियो बनाया, टाइटल था व्हाई इमरान खान लॉस्ट। इसमें कश्मीर के कई जगहों को पाकिस्तान ने दिखाया गया, कश्मीर के विकृत मैप की वजह से भारत सरकार ने इनके वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। कुछ दिन पहले भारत और इंडिया नाम का मुद्दा उछला था, काफी बहस हो रही थी, इस बीच ध्रुव राठी इस पर वीडियो बनाते हैं। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन अपने वीडियो में इन्होंने सब कुछ एक तरफा दिखाया। जिस किसी ने भारत के पक्ष में कहीं भी कुछ बोला या लिखा हो उसको अपने वीडियो में घसीट लाए, मानो उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया था कि उन्हें अच्छा लगेगा अगर देश को इंडिया की जगह भारत कहा जाए, उनका नाम लेकर उन पर पर्सनल अटैक किया, उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र बताया और उन्हें अपमानित किया। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो तो किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा। ध्रुव राठी यहाँ भूल जाते हैं कि जिस तरह इनकी राय है इसी तरह दूसरों के भी इनसे डिफरेंट राय हो सकती है। दूसरों को चुप कराने का बस एक तरीका ढूंढ रखा है, उन्हें भक्त और गोदी मीडिया कहकर उनके हर बात को सिरे से खारिज करना, उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञानी बताओ। मजे की बात यह है कि आजकल व्हाट्सएप पर मिशन 100 करोड़ की मुहिम ध्रुव राठी ने ही चला रखा है, जिसमें मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया जाता है। इनका कहना है कि लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इन्हें कहा जाता है गर्व करो कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, गर्व करो कि तुम हिंदू हो, इससे ब्रेन वॉश किया जा रहा। मैं पूछता हूं इसमें क्या गलत है? जिस तरह जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, जापान वाले गर्व करते हैं कि वो वहां पैदा हुए, उसी तरह हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जिस तरह एक मुसलमान को गर्व है कि वो मुसलमान है, ठीक उसी तरह एक हिंदू को गर्व है कि वो हिंदू है, तो इसमें क्या गलत है? अगर इसमें भी किसी को गलत लगे तो उसे अपनी खुद इलाज करानी चाहिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन लोगों को यकीन नहीं था, उसके सबूत मांगे, क्योंकि मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था,
कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पे, तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे, उन्होंने सही सोचा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, कहा खुद दूसरों को नीचा दिखाओ, उनके हर काम को हर बात को बेकार और प्रोपेगेंडा बताओ, किसी एक पार्टी को बदनाम करने की मुहिम चलाओ, तब तो ठीक है, लेकिन जब कोई इन पर उंगली उठाए, इनको बातचीत बताए, तो कहते हैं कि गोदी मीडिया को मिर्ची लगी है, इसलिए वो बदनाम करने के लिए र्यूमर फैला रहे। तो ये रही ध्रुव राठी की कहानी जो आजकल चर्चे में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।